फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इजी किचन क्लास में। आज हम बनाएंगे शक्कर पारे। तो शक्कर पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस वाली कटोरी से 2 कटोरी मैदा छान लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कटोरी मैदा मैंने छान लिया है और आधी कटोरी मैंने घी लिया है। अगर आपके पास जो अच्छा वाला घी है अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो लीजिए। मैंने यहाँ पर डालडा घी लिया है और साथ ही में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी शक्कर नापी है। यहाँ पर मतलब जितना हम मैदा लेंगे उतनी हमें शक्कर भी लेनी है। तो अब हम सबसे पहले मैदे को एक बाउल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये बाउल है, इसमें हम मैदे को डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो घी को हमें इस तरह से फैला कर डालना है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे ये वाला रिफाइंड ऑयल जो हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैंने 1 लोटा पानी गुनगुना सा कर लिया था गैस पर। तो सबसे पहले अब हम इस तेल को और इस घी को इस आटे में इस तरह से मिलाएंगे, आप देख सकते हैं। तो हमें इस तरह से थोड़ा चूर चूर कर इसमें मिला लेना है, पूरे आटे में इसे हम मिलाएंगे। तो हमने पूरे आटे में घी को और तेल को साथ में मिला लिया है। अब हम इस गुनगुने पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालकर आटे को गूंद लेंगे अच्छे से। हमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमें ये जो हमारा आटा है इसको गाढ़ा गूंदना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आटे को गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। तरह से हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे और आप देख सकते हैं हमारा पानी बहुत ही बच गया है, हमने थोड़ा ही पानी यूज़ किया है। तो फ्रेंड, आटा हमारा रेस्ट होने तक हम इस कढ़ाई में तेल को तपने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल तपने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम को कर देंगे फुल में ऑन। अब आटे को भी हम खोलते हैं फ्रेंड्स। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को, ये देख सकते हैं आप, 10 से 15 मिनट हो गए। अब हम आटे को इस तरह से पटरे पे लेके इसको भी थोड़े से दबाते हुए, मतलब इस तरह प्रेस करते हुए अच्छे से गूंद लेंगे एक बार और। तो फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल नरम हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसके लोए काटते हैं। तो हम इस तरह से इसके लोए बना लेंगे। 4 लोए बन गए हैं हमारे आटे में। अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हम सबसे पहले इसे इस तरह से गोल बनाकर इस तरह से बेलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर रोटी को बेल लिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल पतला नहीं बेला है, इस तरह से हमने मोटी रोटी बेल ली है। अब हम इसे काटते हैं। तो हम इस तरह से इसे काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे काट लिया है। हम इसे अलग अलग इस तरह से बना लेंगे। हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमारे शक्कर पारों को डालते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो रखेंगे कुछ टाइम और फिर से हम फुल कर लेंगे।
और एक मिनट के लिए हम चलाएंगे नहीं इसे। अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे बस। हमें इन्हें अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इसी तरह से तल लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारे शक्कर पारे बिल्कुल सुनहरे हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए शक्कर पारे भी इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका भी कलर बिल्कुल सुनहरा सा हो गया है। अब हम इन्हें भी साइड में निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे शक्कर को और उसमें डाल देंगे हम 1.5 से 2 कप पानी। यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये चाय का कप जो मैंने लिया है, इसमें 1.5 कप जितना पानी हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। शक्कर हम अच्छी तरह से इसमें घोल लेंगे, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन मैंने ख़राब नहीं किया है। उसी कढ़ाई में हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हमें एक तार की बनानी है, तो इसके लिए हम इस तरह से घुलाते हुए 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें एक तार का पाक बनाने में। अब हमारी इस चीनी में अच्छे से उबाल आ गया है। 2 मिनट तक हम इसका उबाल लेंगे, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका पाक इस तरह से चेक करते हैं थोड़ा सा गलाकर। तो अभी तक और 1 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे, अभी तक इसकी तार बन नहीं रही है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ हाथ पर लेकर भी, ये देखिए एक तार बिल्कुल चिपचिपी सी हो गई है, एक तार बन रही है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे ये शक्कर पारे। तो हम सभी शक्कर पारों को इसमें डालकर अच्छे से हिलाएंगे, आप देख सकते हैं सभी में। तो हमें ये शक्कर जब तक ठंडी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से इसे हिलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, कम से कम 5 से 10 मिनट। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शक्कर पारे बिल्कुल सूख गए हैं, फिर भी अभी ये गर्म है और भी, मतलब थोड़ी देर और इन्हें रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी शक्कर पारों की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और स्वीट बने हैं। और आपको मैं इन्हें तोड़कर भी दिखा दूँ तो ये बहुत ही क्रिस्पी भी बने हैं। आप देख सकते हैं अंदर से लेयर्ड है इसे और ये बहुत अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और मेरे और भी वीडियोस आप तक पहुंचे रहेंगे तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।